लोग तो चिल्लाते रहे कि 440 वोल्ट का झटका लगेगा, लेकिन 440 वोल्ट का झटका नहीं, 240 वोल्ट का ही झटका लगा। हमने सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बार बार जो है बार बार किसी बात की याचना करना ये कमजोरी के लक्षण है, इसलिए सरकार शासन प्रशासन कमजोर ना समझे। और कुल मिलाकर के हम सरकार के जो है पक्ष में हैं और हम सरकार के सहयोगी हैं, तो इसलिए जो है सरकार यदि इतने सालों से हम अपनी बात जो है पहुंचाने कहने की जो है कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है, तो उसके लिए आगे भी प्रावधान है। क्योंकि सरकार ने 10 साल में तो सुना नहीं, जब 10 साल में सरकार ने नहीं सुना तो फिर 11वां साल जो है, जब ये तीसरी बार का जो परिणाम है सरकार के हाथ में, वो जो है ना, ये इसको आप साधारण मत समझिए। ये जो बापूजी ने आज 10 साल 11 साल से जो है चुप्पी साध करके और जो समय को काट रहे हैं, क्योंकि वो एक महान पुरुष हैं, और मुझे ये कहना चाहिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो है वो स्वयं जो है उस चीज को उपलब्ध हो चुके हैं, और इसलिए वो तमाम समय और प्रकृति की गतिविधियों को जानते हैं। इसलिए उन्होंने जो चुप्पी साधी और 10 साल 11 साल तक बापूजी कुछ नहीं बोले, और ये शासन प्रशासन के जो है ये लोग और जो देश के न्यायाधीश हैं, इन्होंने जो जिस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया वो हम भी देखते रहे और सुनते रहे। परंतु जो है बापूजी की चुप्पी का ही परिणाम है कि लोग तो कहते हैं कि लोग तो चिल्लाते रहे कि 440 वोल्ट का झटका लगेगा, लेकिन 440 वोल्ट का झटका नहीं, 240 वोल्ट का ही झटका लगा। तो ये 240 वोल्ट का झटका जो मिला है, ये हम जैसे और बापू जैसे महान जो है संतों के साथ में जो दुर्व्यवहार जो है हुआ, ये वही चुप्पी का जो परिणाम है, वो चुप्पी के परिणाम की वजह से 240 वोल्ट का झटका लगा। लेकिन आगे आने वाले समय में यदि उनकी उम्र को देखते हुए और जो यह उनके साथ में षड्यंत्र जो है रचा गया, जिन लोगों के द्वारा भी रचा गया, जिस तरह से भी रचा गया, ये सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है और प्लस जो है न्यायाधीश भी जानते हैं और बाकी तमाम जो बापू के साधक हैं वो भी जानते हैं कि यह सब जो है एक षड्यंत्र है। और हमेशा जो है संतों के साथ में इस तरह के षड्यंत्र जो है लोग जो है समय समय पर रचते रहे हैं, शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग, जो जो उन्हीं परिणामों का, जो उन्हीं लोगों का जो है बापूजी भी शिकार हो गए। लेकिन बापूजी तो जो है एक महान आत्मा है और उन्हें जो है किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रह रहे हैं या क्या कर रहे हो, वो तो उनका तो जो है साक्षात्कार हो चुका है, इसलिए जो है उन्होंने चुप्पी साध करके आज तक कुछ भी नहीं कहा है, ना शासन को दोषी कहा, ना उन लोगों को दोषी कहा जिन लोगों ने उनके साथ में जो है ऐसा किया है, क्योंकि वो सब जानते हैं और वो समय और प्रकृति के निर्णय को भी जानते हैं।